हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूंगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, क्या आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपके लिए तड़पे? तो आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ उसको अच्छे से समझो, ताकि आप भी अपने पार्टनर को तड़पा सको और अपने पार्टनर को कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए तड़पे, और अगर आप उससे बात ना करो तो उसका दिमाग जो है वो पूरा ख़राब हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो नहीं करना है ना उसको समझो। आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? आप पार्टनर के साथ लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो, उसको कंट्रोल करना चाहते हो, लड़के और झगड़ के, जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो, ये आप लिख के ले लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ऐसे कभी काम नहीं करता है। ठीक है, जो चीज़ हमको मना करते हैं, या फिर आपने भी नोटिस किया होगा कि घर में बड़े बुज़ुर्ग जो होते थे पहले, जैसे कि दादी हो गए या फिर दादाजी, नाना नानी, तो वो लोग हमें डांटते थे, हमसे लड़ते थे, झगड़ते थे, तो हम उसको कभी उनको पसंद नहीं करते थे, राइट? हम उनसे भागते रहते थे कि कब हमारा पीछा छूटे उनसे। तो ऐसे ही आप भी गलती करते हो, अपने पार्टनर के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, और ऐसे ही आप चाहते हो कि लड़के झगड़ के कंट्रोल करना पार्टनर को, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके घर में ऐसे दादाजी दादी जी सबके घर में रहते, तो ऐसा अगर आपके घर में भी ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत प्यार से आपसे बात करते होंगे, राइट, जो लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, तो आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो, आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनको मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो। वैसे ही आपको सेम चीज़ पार्टनर के साथ भी करना है। आपको उनसे एकदम लड़ना नहीं है। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको लड़ना झगड़ना बंद करना होगा, अपना मुंह जो है उसको बंद करो। ठीक है, एकदम साइलेंट रहो, क्योंकि साइलेंट रहने से ना जो काम आप बोलकर नहीं कर सकते हो ना, वो चीज़ आप साइलेंट रह के बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए साइलेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि अगर हम साइलेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से तो हम बोलेंगे कब, राइट? तो बोलना आपको कब है, यही अब मैं आपको समझाऊंगी कि आपको क्या बोलना है और कैसे और कब बोलना है। ठीक है, आपको ज़रूरत पे बोलना है, ठीक है ना? ज़रूरत से कम ही बोलो तो ही आपके लिए अच्छा है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको कभी बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो एक किस्म का वेपन्स की तरह काम करते हैं। तो इस वर्ड्स को ना आपको बहुत अच्छे से और बहुत समझ बूझ के खर्च करना होता है, बहुत समझदारी के साथ इस वर्ड्स को आपको यूज़ करना होता है। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि जहाँ जो मर्जी होता है आप पार्टनर को बोल देते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपके जो बात है उसको सुने, आपके कंट्रोल में रहें, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी को लड़ते हो, किसी के साथ झगड़ते हो, और आप ये चाहते हो कि वो इंसान आपकी बात माने, तो वो कभी नहीं हो सकता है। जो बात आप प्यार से समझा के करा सकते हो वो चीज़ कभी आप लड़ झगड़ के नहीं करा सकते हो मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एकदम आपको साइलेंट रहना है, और जब भी आपको बोलना है तो ज़रूरत से कम बोलना है। ये करना बहुत मुश्किल है मैं मानती हूँ, एटलीस्ट जब ज़रूरत है तब बोलो। ठीक है, और थोड़ा सा अपने जो आप शब्दों का प्रयोग करोगे उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ झगड़े में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है, ऐसे करके आप बहुत ही अच्छे से अपने पार्टनर के जो मन है, जो माइंड है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा साइकोलॉजी जो है उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको भी सही तरीके से ऐसे चला सकते हो। वरना क्या होता है ना, आप जो तरीका अपनाते हो ना, जैसे लड़ना झगड़ना, इससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप लास्ट में, ऐसे भी मैंने बहुत रिलेशन को ऐसे टूटते हुए देखा है, ठीक है, यही लड़ना झगड़ना इसी सब वजह से। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो, साइलेंट रहो, ज़रूरत से कम बोलो, या फिर ज़रूरत आने पे ही बात करो पार्टनर से, और बहुत ही अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, तभी ये चीज़ आप कर सकते हो। वरना ज़िंदगी में कभी भी आप पार्टनर के मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप कागज़ और पेन से लिख लो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और ऐसा होता भी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।